इस कहानी की शुरुआत में हमें मेटे नाम के हेजो को दिखाया जाता है जो अपने लिए पानी इकट्ठा कर रही होती है क्योंकि जंगल में पानी की बहुत कमी थी। वहीं पर जानवर पंपकिन में पानी इकट्ठा कर रहे होते हैं और पानी की कमी को दूर करने के लिए वो शाम को एक मीटिंग का आयोजन करते हैं। फिर हम जूम नाम की एक गिलहरी को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता था मगर उसका मजाक उड़ाते हैं। लेटे जब देखती है कि उसके दोस्त को परेशान कर रहे हैं वहाँ से चले जाते हैं। जूम लेटे पर गुस्सा होता है क्योंकि उसकी वजह से वहाँ से चले गए थे। जूम घर लौट आता है जहाँ उसकी बहन मीरा उसका मजाक उड़ाती है क्योंकि वो कीचड़ से गंदा हो गया था। तभी उसके हाथ से अखरोट लेटे के घर के बाहर गिर जाता है जिसे वो लेने जाती है तो लेटे घर के बाहर आ जाती है और उसे अखरोट उठाकर देती है। तभी लेटे पानी पीने के लिए अपना शंख उठाती है तो जूम उसे पूछता है कि इसमें क्या है तो लेटे बताती है कि इसमें मैंने अपने लिए पानी स्टोर करके रखा है तो जूम उसे पानी छीन लेता है क्योंकि सभी अपना पानी पंपकिन में स्टोर करके रखते थे। इसलिए उसे कहता है कि पानी भी पंपकिन में रखा जाना चाहिए तो लेटे उसे कहती है कि किसी को मेरी परवाह नहीं है इसीलिए तुम मुझे मेरा पानी दे दो। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और पानी को पंपकिन में डालने के लिए भागने लगता है। लेटे उसे रोकने की कोशिश करती है जिससे पंपकिन टूटने की वजह से सारा पानी बर्बाद हो जाता है। इससे वो बहुत परेशान होते हैं। तभी वहाँ कुछ जानवर आने लगते हैं जिससे वो खोखले तने में जाकर छिप जाते हैं। वो जानवर जब देखते हैं कि पंपकिन टूट चुका है तो जानवरों की सभा बुलाते हैं जिसमें वो राजा को बताते हैं कि पानी का पंपकिन टूट चुका है। लेटे और जूम भी छिपकर ये सब देख रहे होते हैं। जूम लेटे को कहता है कि हमें सभी को सच बता देना चाहिए लेकिन लेटे उसकी बात नहीं सुनती और उनकी लड़ाई की वजह से वो जानवरों के पास आकर गिर जाते हैं जिससे सभी को लगता है कि वो पंपकिन लेटे ने तोड़ा है। तो जूम सभी को कहता है कि वो पंपकिन मेरी वजह से टूटा था जिससे सभी जानवर जूम से नाराज होते हैं क्योंकि अब उनके पास सिर्फ 3 पंपकिन ही पानी बचा था जिससे सभी बहुत परेशान होते हैं। राजा सभी से कहते हैं कि हमें जल्दी पानी की समस्या का हल ढूंढना होगा वरना हम सभी प्यास से मर जाएंगे। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा कुरवा जाता है जिसका नाम कौरव होता है जो सभी से कहता है कि हमारे पास पानी बहुत कम बचा है इसीलिए हमें कुछ बहादुर जानवरों को मैजिक वाटर स्टोन लाने के लिए भेजना होगा जिससे हमारी परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन सभी उसकी बातों को झूठा बताते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि वाटर स्टोन जैसी कोई चीज नहीं होती। तो कौरव सभी को बताता है कि बहुत समय पहले सफेद पर्वत पर एक मैजिक वाटर स्टोन प्रकट हुआ था जिसकी वजह से सभी नदी तालाब पानी से भरे हुए थे मगर भालुओं के राजा बंतूर ने मैजिक वाटर स्टोन को सफेद पर्वत के शीर्ष से पानी खत्म हो गया। तो जूम के डेड सभी को कहते हैं कि हम भालुओं के इलाके में नहीं जा सकते क्योंकि वो सभी भालुओं से बहुत डरते थे। तो कौरव कहता है कि तुम सभी जानवर बहुत ज्यादा डरपोक हो इसीलिए मुझे मैजिक वाटर स्टोन लेने जाना होगा। मगर लेटे को भी उसकी बातों पर विश्वास हो गया था इसीलिए वो सभी को कहती है कि हमें मैजिक वाटर स्टोन को लाना चाहिए क्योंकि हमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है और अगर कोई नहीं जाएगा तो मैं अकेली जाऊंगी क्योंकि मैं एक राजकुमारी हूँ। और वो मैजिक वाटर स्टोन को हासिल करने के लिए निकल जाती है लेकिन सभी जानवरों को लगता है कि लेटे मजाक कर रही है जिससे उसकी बातों को कोई सीरियस नहीं लेता। वही लेटे अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रही होती है तभी रास्ते में उसे बीवर मिलता है जो नदी पर बांध बना रहा था। तो लेटे उसे बताती है कि मैं मैजिक वाटर स्टोन लेने के लिए जा रही हूँ मगर उसने वाटर स्टोन के बारे में कभी नहीं सुना था। लेटे उसे पूछती है कि क्या तुम्हें उत्तरी जंगल का रास्ता पता है तो उसे बताता है कि टूटी नदी की तरफ आगे बढ़ने के बाद वही उत्तरी जंगल होगा। फिर लेटे वहाँ से वाटर स्टोन लाने के लिए निकल जाती है। वही मीरा जूम से कहती है कि लेटे दिखाई नहीं दे रही है इसका मतलब ये है कि वो वाटर स्टोन लेने चली गई है इसीलिए तुम्हें लेटे को वापस लेकर आना चाहिए क्योंकि मुझे लेटे बहुत पसंद है और बाहर के जंगली जानवर बहुत खराब होते हैं। तो जूम लेटे के बारे में सोचता है लेकिन तभी उसकी माँ उसे खाने के लिए बुला लेती है। फिर रात को लेटे अपने पिता से आसमान की तरफ देखकर बात करने लगती है कि मैं जल्दी वाटर स्टोन को लेकर आऊंगी जिससे सभी को अपने हिस्से का पानी मिलेगा ये कहकर वहीं सो जाती है। अगले दिन सुबह जब जूम लेटे के घर पर जाता है तो उसे लेटे दिखाई नहीं देती जिससे वो उसे आसपास ढूंढने लगता है। तभी उसे लेटे के पैरों के निशान दिखाई देते हैं जिससे उसे पता चलता है कि लेटे वाटर स्टोन को लेने के लिए गई है। तो जूम लेटे को वापस लाने के लिए निकलता है कि लेटे अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रही होती है तभी उसे जूम की आवाज़ सुनाई देती है जिससे लेटे छिपने लगती है। तभी वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो लेटे जूम पर गुस्सा होती है। तभी जूम उसे कहता है कि तुम्हें वापस मेरे साथ घर लौटना होगा क्योंकि आगे तुम्हें जंगली जानवरों से खतरा है। तभी लिंक्स नाम का जानवर उन पर हमला कर देता है तो वो दोनों भागने लगते हैं। लिंक्स लेटे को मारने लगता है लेकिन तभी जूम उसका ध्यान भटकाकर उसे बचा लेता है मगर लिंक्स उसके पीछे पड़ जाता है और वो उन्हें एक जगह पर जाकर घेर लेता है लेकिन तभी एक पेड़ गिर जाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मीरा अपने दोस्तों के साथ लेटे और जूम का इंतजार कर रही होती है क्योंकि पानी खत्म होना शुरू हो गया था। वही जूम के पिता उन्हें ढूंढने के लिए जंगल के राजा से मिलते हैं तो कहते हैं कि मैंने कौरव को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा है और वो जल्दी उन्हें ढूंढ कर ले आएगा और हमारे पास जितना भी बेर और पानी का भंडार बचा है उन्हें तुम बराबर सभी जानवरों में बांट दो। वही जूम लेटे को वापस घर ले जाने की कोशिश कर रहा होता है मगर लेटे वापस नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसने ठान लिया था कि वो किसी भी हाल में वाटर स्टोन हासिल करके रहेगी जिससे वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। और लड़ते लड़ते वो दोनों ग्रेटा नाम की मेंढक की गुफा में पहुंच जाते हैं। लेटे उन्हें बताती है कि हम उत्तरी जंगल की तरफ जा रहे हैं ताकि हम वाटर स्टोन वापस हासिल कर सके क्योंकि हमारे इलाके में पानी की बहुत कमी है। जिस पर ग्रेटा उन्हें बताती है कि मैं एक राजकुमारी हूँ लेकिन मैं बिना बताए अपने घर से निकल चुकी है और तुम दोनों
यहीं पर रात रुक जाओ, क्योंकि रात में लिंक्स बहुत खतरनाक हो जाता है। फिर वो दोनों फल खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह ग्रेटा उन्हें कहती है कि तुम दोनों को एक टीम की तरह साथ रहना चाहिए, लेकिन जुमलेटे को घर वापस लेकर जाना चाहता था। मगर ग्रेटा उन्हें समझाती है कि तुम दोनों बहुत बहादुर हो और सभी की मदद करना चाहते हो, इसलिए तुम दोनों को इस मिशन पर साथ जाना चाहिए। फिर उन्हें बताती है कि यहाँ से आगे तुम भेड़ियों के इलाके से गुजरने वाले हो और आगे का रास्ता बहुत पथरीला और सूखा होगा, इसलिए वो उन्हें रसीले अंगूरों का बेग देती है ताकि उनसे अपनी प्यास बुझा सके। फिर वो वहाँ से अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि लेटे और जुम पथरीले इलाके में पहुँच जाते हैं, जिससे उन्हें चलने में दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत थक जाते हैं। जानवर छिपने के लिए भाग रहे थे क्योंकि वहाँ पर लूपो नाम का भेड़िया अपने दोस्तों के साथ आ रहा था। जुम भी छिपने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लूपो और उसके दोस्त उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेटे उन्हें अपने बारे में बताती है कि मैं एक राजकुमारी हूँ और मेरा एक बाल भी टेढ़ा हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तो लूपो कहता है कि मैं भी राजकुमार हूँ और तुम दोनों हमारे मेहमान हो, इसीलिए आज आप हमारे साथ डिनर कीजिए। लेकिन वो मना कर देते हैं और लेटे उन्हें बताती है कि हम दोनों राजा बंतूर से मैजिक वाटर स्टोन वापस लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे इलाके में पानी नहीं है, जिसकी वजह से हमारे इलाके के जानवर बहुत परेशान हैं। तभी लूपो उन्हें ये सोचकर जाने देता है कि अगर वो मैजिक वाटर स्टोन लेकर आ गए तो वाटर स्टोन उसे छीन लेगा, जिससे वहाँ से चले जाते हैं। और उन्हें लेटे को प्यास लगने लगती है तो जूम से एक अंगूर मांगती है, लेकिन जूम अंगूर के लिए लेटे को छिलकों वाला गेम खेलने को कहता है और वो अंगूर को एक छिलके में छिपा देता है और उन छिलकों को तेजी से मुंह करने लगता है, जिससे लेटे अंगूर वाले छिलके को नहीं पहचान पाती और अब सिर्फ लाल छिलका ही बचा होता है, जिससे जूम चालाकी से अंगूर डालने लगता है। लेकिन तभी लेटे को उसकी चीटिंग के बारे में पता चल जाता है कि उसने अंगूर को छिलके में नहीं बल्कि अपने पीछे छिपाया था। फिर वो दोनों आधा आधा अंगूर खाते हैं। तभी लेटे जूम को बताती है कि मैं राजकुमारी नहीं हूँ और मैंने सभी से झूठ बोला था, क्योंकि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। इस झूठ से कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि कुछ झूठ अच्छे होते हैं। वैसे भी तुम राजकुमारी हो, इसीलिए तो मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। फिर अगली सुबह जूम और लेटे अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी जूम अपने घर के लिए परेशान होता है, क्योंकि उसे पता था कि जंगल में पंपकिन का पानी खत्म हो चुका होगा। लेटे उसे कहती है कि अगर हमें वाटर स्टोन मिल गया तो हमारे पास बहुत सारा पानी होगा, जिससे सभी जानवरों की परेशानियां दूर हो जाएगी। फिर वो एक पेड़ के तने से खाई को पार करने की कोशिश करते हैं। तभी जूम उसे कहता है कि हमें घर वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि हमें आगे कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं जा सकता। और वो लेटे को अंगूर देने की कोशिश करता है, मगर लेटे अंगूर नहीं लेना चाहती थी, जिससे उनकी लड़ाई की वजह से वो सारे अंगूर नीचे गिर जाते हैं, जिससे जूम उस पर गुस्सा होता है तो अकेली ही आगे बढ़ने लगती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। जूम उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन लेटे उस पर गुस्सा होती है और उसे यहाँ से वापस अपने परिवार के पास जाने को कहती है और वो वहाँ से चली जाती है, जिससे वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तभी जूम को पानी के झरने की आवाज़ सुनाई देती है तो जूम पहाड़ पर चढ़कर देखता है तो उसे उत्तरी जंगल दिखाई देता है, जिसमें चारों तरफ हरियाली और पानी था, जिससे वो बहुत खुश होता है और लेटे को बुलाने के लिए जाने लगता है। मगर तभी वो फिसल कर नीचे गिर जाता है, जहाँ पर भालू एक्सरसाइज कर रहे थे और जूम उनके पैरों से बचने की कोशिश करता है। तभी जूम बंदूर के बेटे अमारू के बालों में छिप जाता है, लेकिन अमारू को उसके छिपने का पता चलता है कि तुम जो कोई भी हो साइड में छिप जाओ, क्योंकि अंदर से भालू जा सकते हैं, इसीलिए अगर तुम्हें गार्ड ने देख लिया तो तुम्हें बाहर फेंक देगा। तो जूम उसके बाद मार लेता है, जिससे वो अमारू के बाल में छिपकर महल में एंटर कर लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लेटे को वाटर स्टोन ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है तो वहाँ पीछे एक बिस्तर पर आकर आराम करने लगती है और आसमान को देखकर अपने डेड से बात करती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा हेजोग आ जाता है, मगर लेटे को लगता है कि उसके डेड है, इसीलिए उन्हें डेडी बुलाती है। तो कहता है कि मैंने अभी तक शादी नहीं की, इसलिए तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती। तो लेटे बताती है कि मैं बंतूर से मैजिक वाटर स्टोन वापस लेने जा रही हूँ। तो लेटे से कहता है कि हम सभी हेजोग हमेशा अकेले रहते हैं और उसे समझाने की कोशिश करता है कि हेजोग आगे भी अकेले रहेंगे, क्योंकि यही हमारी सच्चाई है। जिसे लेटे रोने लग जाती है तो उसे शांत करने के लिए कहता है कि मैं तुम्हें वाटर स्टोन का रास्ता बता सकता हूँ। मगर लेटे फिर हम देखते हैं कि अमारू अपने रूम में आ चुका है और अपनी माँ के जाने के बाद वो जूम को बाहर निकलने को कहता है। अमारू जूम से पूछता है कि तुम किस टाइप के भालू हो, तो उसे बताता है कि मैं एक अखरोट भालू हूँ। फिर वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जूम एक पानी के झरने को देख कर उसके पास जाता है। तभी जूम को पता चलता है कि अमारू राजा बंतूर का बेटा है। अमारू उसे बताता है कि चट्टानों के गिरने की वजह से हमारे पास पानी नहीं था, तभी मेरे डैड एक मैजिक वाटर स्टोन लेकर आए, जिससे अब हमारे पास बहुत पानी है। तो जूम उसे बताता है कि तुम्हारे डैड ने वाटर स्टोन चोरी किया था, जिससे हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी पानी नहीं है, इसलिए मैं अपनी दोस्त लेटे के साथ मैजिक वाटर स्टोन को वापस लेने आया था। तो अमारू कहता है कि तुम इस वाटर स्टोन को ले गए तो हमारा क्या होगा। तो जूम उसे बताता है कि अगर मैजिक वाटर स्टोन जाए तो सभी जानवरों को पानी मिलेगा, लेकिन पहले हमें लेटे को ढूंढना होगा। फिर हम देखते हैं कि लेटे रोते हुए एक पत्थर से बात कर रही होती है और गुस्सा होकर फिर हेजोग के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझे भालुओं के महल में जाने का रास्ता बताइए। तो उसे एक खुफिया सुरंग से महल के अंदर जाने के बारे में बताता है। फिर वो सुबह महल के अंदर जाने के लिए सुरंग के पास आते हैं, जहाँ वो लेटे को बताते हैं कि तुम तैर कर इसके अंदर जा सकती हो। तभी लेटे सुरंग के रास्ते से अंदर जाती है। वहीं अमारू और जूम लेटे को ढूंढने के लिए बाहर
जाते हैं। तभी गार्ड जूम को देख लेता है और उसे कैद कर लिया जाता है। वही लेटे पानी से बाहर निकलती है, तभी वो देखती है कि उसके सामने मैजिक वाटर स्टोन है, तो वो बहुत खुश होती है और उसे लेने के लिए आगे बढ़ती है, जिससे वो फिसल कर पानी में गिर जाती है। पकड़ लेते हैं और उसे भी कैद कर दिया जाता है, जहाँ लेटे जूम से मिलती है। तभी लेटे उसे अपनी गलती की माफी मांगती है। फिर जूम उसे अपने नए दोस्त अमारो के बारे में बताता है, जो बहुत ही अच्छा है। वो दोनों यहाँ से निकलने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि जूम को अपने घर वालों की बहुत याद आ रही थी और उसने उनके लिए एक अंगूर भी बचा कर रखा था, और वो दोनों उस अंगूर को आधा आधा बांट कर खा लेते हैं। अगली सुबह अमारू जूम को बचाने के लिए आता है और उन दोनों को बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर गार्ड आ जाते हैं। वो गार्ड सभी को राजा बंदूर के पास लेकर जाते हैं, जहाँ पर बंदूर एंजॉय कर रहा था, और वो गार्ड तीनों को लेकर उसके सामने जाते हैं और उसे बताते हैं कि हमने दो जासूस को पकड़ा है, जिन्हें राजकुमार अमारू रिहा करने की कोशिश कर रहे थे। जिससे बंदूर लेटे और जूम से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो लेटे कहती है कि हमारे इलाके में पानी सूख चुका है, जिससे सभी जानवर बहुत परेशान है। तो बंदूर कहता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, वाटर स्टोन लेने आए हैं, क्योंकि तुमने सफेद पर्वत से वाटर स्टोन चुराया है। जिससे गुस्सा होकर वो गार्ड को उन्हें बाहर फेंकने का ऑर्डर देता है। तभी राजा बंदूर भालुओं के साथ वाटर डांस करने लगता है, जिससे वो गार्ड को नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से लेटे और जूम उनके हाथ से छूट जाते हैं, और बाकी सभी भालू वाटर डांस एंजॉय कर रहे थे, इसीलिए उन पर ध्यान नहीं देते। जिसका फायदा उठाकर लेटे मैजिक वाटर स्टोन को लेने जाती है और जूम की मदद से वो वाटर स्टोन वहाँ से निकाल लेती है, जिससे वहाँ का सारा पानी सूख जाता है और सभी भालू नीचे गिर जाते हैं। तभी बंदूर देखता है कि राजकुमार अमारू की मदद से वो छोटे जानवर वाटर स्टोन को चुरा कर ले जा रहे हैं। फिर वो सुरंग के रास्ते से वहाँ से बाहर निकलते हैं। वही बंदूर उनका पीछा करता हुआ सुरंग में फंस जाता है। फिर वो सभी ब्रिज के पास पहुँच जाते हैं। तभी बंदूर वहाँ आ जाता है, तो जूम बंदूर को अपनी चालाकी अमारू को थैंक्स बोलकर सफेद पर्वत की तरफ निकल जाते हैं। भेड़िया लेटे और जूम को देखकर उनके पास आ जाते हैं, और लूपो लेटे से कहता है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई और तुमने अपने मिशन को पूरा कर लिया होगा। जिसे लूटो लेटे से मैजिक वाटर स्टोन लेने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर राजा बंदूर आ जाता है, तो भेड़िया और बंदूर आपस में बहस करने लगते हैं, तो लेटे और जूम वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उनके सामने लिंक्स आ जाता है, फिर सभी जानवर दोनों को घेर लेते हैं। तभी लेटे सभी से कहती है कि झगड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्यों ना हम एक गेम खेलें जिसमें तुम्हें अपनी होशियारी साबित करनी होगी, जिसे जीतने वाले को मैजिक वाटर स्टोन मिलेगा। फिर जूम छिलके के नीचे मैजिक वाटर स्टोन को रखने का नाटक करता है, जिसकी वजह से लेटे मैजिक वाटर स्टोन लेकर सफेद पर्वत पर चढ़ने लग जाती है। वही जूम उनको अपने खेल में उलझाए रखता है और लेटे मैजिक वाटर स्टोन को लेकर सफेद पर्वत पर पहुंच जाती है, मगर सभी जानवरों को इस बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो उसे रोकने के लिए वाटर स्टोन को ऊपर शिखर में गाड़ देती है, जिससे पहाड़ से पानी बहना शुरू हो जाता है, जिससे वो सभी जानवर पानी में बहने लगते हैं। लेकिन तभी कोब लेटे और जूम को बचाकर अपने इलाके में ले जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी जानवर नदी में पानी आने से बहुत खुश थे और उन्हें विश्वास हो गया था कि वाटर स्टोन की कहानी झूठी नहीं है। तभी कोब लेटे और जूम को लेकर वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर सभी बहुत खुश थे और उन दोनों पर सभी को बहुत प्राउड फील होता है। जूम की माँ लेटे को अपने परिवार में शामिल कर लेती है, जिससे लेटे बहुत खुश होती है, और सभी जगह पर पानी पहुंच जाता है, जिससे अमारू काफी खुश होता है और उसके डेड बंदूर उसे कहते बनोगे, जिससे सभी जानवर बहुत खुश होते हैं। और यहीं पर इस मूवी की एपी एंडिंग हो जाती है। और गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।